शहीदों के मजारों पर मेले या दुश्मनों से बदला? कुपवाड़ा हमले के बाद आज ये सवाल शहीदों के पूरे परिवार के साथ साथ पूरा देश पूछ रहा है। कुपवाड़ा हमले में कल सेना के एक कैप्टन के साथ 3 जवान शहीद हो गए थे। आज उन शहीदों का पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर पहुंचेगा, जहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। शहीद होने वालों में कानपुर में कैप्टन आयुष यादव है। 24 साल के कैप्टन आयुष यादव 3 साल से सेना में थे। शहीद होने से पहले कैप्टन आयुष यादव ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकी हमले में शहीद JCO भूप सिंह गुर्जर राजस्थान के दौसा के रहने वाले हैं। 46 साल के भूप सिंह 25 साल से सेना में थे। विशाखापट्टनम के नायक वेंकट रमन्ना भी कुपवाड़ा में शहीद हो गए। 38 साल के शहीद 18 साल से सेना में थे। तीनों शहीदों का पार्थिव शरीर आज दोपहर उनके घरों तक पहुंच जाएगा। उसके बाद पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। कैप्टन आयुष यादव के पिता ने सरकार से आतंकी हमले के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अब ये निंदा, घोर निंदा का दौर खत्म होना चाहिए। आश्वासन अब नहीं, अब एक्शन चाहिए। बेटा शहीद तो हो गया, बड़ी इच्छा थी हमारी खुद आर्मी में जाने की, आर्मी में ना जाके पुलिस में जा पाए हम, लेकिन बेटे को उन्होंने आर्मी में भेज दिया। हमारा आर्मी परिवार है, मेरे बड़े भाई एयरफोर्स में से, मेरे फादर रॉयल एयरफोर्स में से, मेरी भतीजी मेजर है, मेरा दामाद मेजर है, मेरा भांजा मेजर है। इस समय तो ऐसा कुछ नहीं है, तो है, लेकिन यह है कि अब इस पर कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। इस तरह से कब तक बर्बादते रहेंगे हमारे फौजियों को, हमारे देश के बेटों को? मेरी तो कली हुई कुछ नहीं, अपनी मम्मी से ज़्यादा बात करता था, मुझसे तो कम बात करता था। मैं उससे अपनी माँ से ही ज़्यादा बात करता था। माँ उस कमरे में है और आने के लिए हमसे कई दिन से पीछे पड़ा था कि श्रीनगर घूम जाओ आके, और आने के लिए हमसे कई दिन से पीछे पड़ा था कि श्रीनगर घूम जाओ आके। तो मैंने तमाम बार कहा, मैंने कहा वहाँ तो पत्थरबाजी हो रही, फलाना हो रही है। तो कहता कि मैं वहाँ पे हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा, आप परेशान थे। एक बाप का दर्द सिर्फ बाप समझ सकता है, जिसका बेटा अब उसके सामने नहीं है। उसके शव को कंधा देना इससे बड़ा दर्द नहीं हो सकता है। शहीद नायक वेंकट रमन्ना के भाई ने शहादत का बदला लेने के लिए सरकार से मांग की है कि उन्हें खुद सीमा पर लड़ने की इजाजत दे दी जाए। सुनिए। बे मरने के लिए तैयार हूँ, मार के तैयार हूँ। आपको नौकरी चाहिए? आपको मुझे नहीं चाहिए, मैं पढ़ा है, हम लोग ने तो नौकरी दिए तो देते नहीं, देते नहीं तो नौकरी नहीं चाहिए। प्राइवेट में छोड़ दो हमको, उधर छोड़ दो, प्राइवेट में छोड़ दो। मरने के लिए मैं तैयार हूँ ना, अन्य सचिव मेरा भाई मरने के लिए बात, इधर मेरे को जीना नहीं चाहिए, मेरे को उधर तो मरना हूँ, मैं उधर मर रहा हूँ, नहीं तो उधर जाता हूँ। मेरे भाई के मरने के बाद मैं जीना नहीं चाहिए, ये दर्द भाई का। वैसे शहीद JCO भूप सिंह गुर्जर का पूरा परिवार सदमे में है। पिता का कहना है कि आखिर कब तक ऐसे ही शहीद होते रहेंगे देश के बेटे? हमारे गांव में पूरे में हर घर से एक दो मिलिट्री में है, और देश गांव देश के प्रति सेवा की भावना है गांव में पूरे में। और पहले भी हमारे एक शहीद हो चुका है जिसका नाम है मोहन सिंह गुर्जर, और दूसरा मेरा बेटा कल शहीद हो चुका। देश के प्रति हमारी रक्षा की पूरी भावना है। दौसा में शहीद भूप सिंह गुर्जर के घर से जी मीडिया रिपोर्टर लक्ष्मी अवतार शर्मा, और कानपुर में शहीद कैप्टन आयुष यादव के घर से अमिता पारुल हमारे साथ है। सबसे पहले लक्ष्मी अवतार शर्मा का रुख करते हैं। आप लक्ष्मी अवतार, वहां किस तरीके से लोग आज शहीद को याद कर रहे हैं, और क्या आगे का कार्यक्रम रहने वाला है, कब तक पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा? जी रूबिका, देखिए हम शहीद भूप सिंह गुर्जर के गांव में हैं, उनके घर पे हैं, जब पूरी तरह माहौल गमगीन है। होना लाजमी भी है कि गांव ने अपना लाल खोया है, एक बाप ने अपना बेटा खोया है, एक पत्नी ने अपना पति खोया है, तो एक बेटे ने अपना बाप खोया है। हमारे जो उनकी पार्थिव देह है वो 4 से 5 के बीच में उनके गांव पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जहाँ उनका शरीर पंच तत्वों में विलीन होगा। हमारे साथ जो शहीद भूप सिंह हैं, उनके छोटे भाई हैं जो खुद आर्मी से रिटायर्ड होकर आए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनको इस समय जो
उनके साथ हुआ है वो कैसा? हमारे को बड़े दुख की बात है, मेरा भाई शहीद हो गया, देश के काम आया। हमारे सर के ऊपर से उनका साया उठ गया। आप देख सकते हैं रूबिका कि किस तरीके से उनका पूरा परिवार सदमे में, हालांकि उनको इस बात का फक्र है कि उनका लाल देश के काम आया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सरकार के प्रति भी एक थोड़ा आक्रोश इस बात का है कि सेना को किस क्यों इस तरीके से बांधा हुआ है। वो सेना के हाथ खुलना चाहते हैं जिससे एक्शन ले सके और एक अच्छी ठोस देश के प्रति नीति बने जिससे देश में शांति कायम हो सके। हम उनसे जानते हैं मुकेश से, मुकेश किस तरीके से नीति आप चाहते हैं सेना की? सबसे बड़ी बात है सब सेना के जो बंदिशें हैं वो ख़त्म करनी चाहिए। सेना को जम्मू के अंदर पावर मिलनी चाहिए, जिस दिन सेना को पावर मिल जाएगी जम्मू बिल्कुल पीसफुल हो जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में क्या करना, सबसे पहले अपने घर में करो ना सर्जिकल स्ट्राइक। जम्मू इतना बुरा हाल बना रखा है, एक कल का एक लड़का है वो एक ड्रेस वाले फौजी में लात मार के जाता है, बेचारा वो फौजी कुछ नहीं कर पाता, उनके हाथ बांध रखे, उन्हें कोई हाथ लगा के दिखाओ ना फौजी आदमी को, कोई हाथ तो लगाओ, उसका हाथ उसी टाइम तोड़ के उसके हाथ में दे देंगे। तो वो पावर हमारे पास कुछ है नहीं, कोई नीचे से सेना निकल के जा रही, ऊपर से पत्थर मार रहे हैं, बोतल मार रहे हैं फेंक फेंक के, फिर क्या हम उग्रवादियों को क्या मारेंगे? पहले हम हमारे वाले सही नहीं कर रहे, उग्रवादी को हम क्या मारेंगे? दूसरा आदमी उग्रवादी को अपने घर में बैठा लेगा और हम उसको बोलेंगे ये तो हमारा घर का है इसको क्या मारना। सबसे पहले जी रूबिका देखिए जिस तरीके से जो नहीं लक्ष्मी अवतार, ये गुस्सा समझ में आ रहा है, ये गुस्सा समझ में आ रहा है, ये उस भाई का गुस्सा है जिसने अपने भाई को खोया है और उसका ये कहना है कि साया उठ गया है, और ऐसे में वो सारी चीजें सामने आ रही है जब वो देखते हैं कि कैसे उनके उनके अपने भाइयों पर, हमारे सेना के जवानों पर एक के बाद एक हमले होते चले जाते हैं और वो वहां से गायब हो जाते हैं हमला करके। बहरहाल